शराब घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई व ईडी जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुनवाई के दौरान सीबीआई व ईडी ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का और समय देने की मांग की है। इस पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 दिन का समय देते हुए सुनवाई अगले सोमवार यानी 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने सीबीआई व ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इससे पहले 30 अप्रैल को निचली अदालत ने सिसोदिया की याचिकाएं खारिज कर दी थी। सिसोदिया ने साथ ही एक आवेदन दाखिल कर कहा कि जमानत याचिका लंबित रहने तक उनकी बीमार पत्नी से सप्ताह में मिलने की अनुमति जारी रखने दी जाए। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अगर निचली अदालत इसे जारी रखने की अनुमति देता है तो जाँच एजेंसी को आपत्ति नहीं है। इस पर अदालत ने सिसोदिया को पत्नी से मुलाकात करने की अनुमति दे दी है। 30 अप्रैल को जमानत याचिका खारिज करते हुए राव जेवेन्यू की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि सिसोदिया समेत अन्य सह अभियुक्तों द्वारा मामले की सुनवाई में देरी करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि सिसोदिया समेत अन्य आरोपित कई आवेदन दायर कर रहे हैं या मौखिक दलीलें दे रहे हैं। इनमें से कुछ आवेदन तो तुच्छ प्रकृति के हैं। अदालत ने पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उन्हें जमानत पर रिहा करने के तर्क को भी ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, अदालत ने सह आरोपित विनय बाबू के साथ समानता की मांग करने वाली सिसोदिया के तर्क को भी ठुकरा दिया। इससे पहले अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी।